हाय फ्रेंड्स, तो आज हम करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि काफ़ी सारे एंट्रेंस एग्जाम्स में इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आज तो हम इसके बेसिक से शुरू करेंगे, धीरे धीरे करके मैं आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी दूंगी कैसे कैसे सॉल्व करने हैं, तो हम सारा साथ साथ करते जाएंगे। सबसे पहले मैं आज आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता दूँ इसका। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस मीन्स, आप सिंपली हमें इससे पता चलता है कि इससे हम प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकाल सकते हैं, वो सारा कुछ हम देखेंगे। जैसे मैं आपको पहले बताऊं, जैसे कि मान लो कि हमने मैं आपको जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन देती हूँ सारा एक मिनट में, मेरे को पता है आपको ये सारा कुछ पता है। तो इसके बाद हम मेन चीज़ें करेंगे जो इस चैप्टर में है। जैसे कि मान लो कि मैं एक शॉपकीपर है और उस शॉपकीपर ने एक बैग खरीद के आगे बेचना है, तो उसने जिस प्राइस पे बैग को खरीदा आगे बेचने के लिए उसे हम कहेंगे कॉस्ट प्राइस। मान लो कि उसने 100 रुपये में एक बैग खरीदा तो और उसने आगे बेचा कितने में, 120 रुपये में, तो वो 120 रुपये क्या है, उसकी सेलिंग प्राइस है। और जो बीच में 20 रुपीज़ रह गया ये क्या है, प्रॉफिट। प्रॉफिट हमने कैसे निकाला, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मतलब जितने में उसने बेचा माइनस जितने में उसने खरीदा, 20 रुपये क्या बच गया उसका, प्रॉफिट। अब आ गया मार्क प्राइस। काफ़ी सारे जो नए स्टूडेंट हैं उन्हें पता नहीं होगा मार्क प्राइस क्या होता है। मार्क प्राइस मीन्स जो एक प्रोडक्ट के पीछे रेट लिखा होता है कि हाँ ये प्रोडक्ट इतने का है, हम इसे लिस्ट प्राइस भी कह देते हैं। जैसे कि उस बैग का लिस्ट प्राइस या मार्क प्राइस जो उस बैग के पीछे लिखा था रेट, वो था 140 का, और शॉपकीपर ने क्या किया इस पे 20 का डिस्काउंट दे दिया, तो मतलब शॉपकीपर ने कितने का बेचा, 120 रुपये में बेचा। तो डिस्काउंट हम कैसे निकालते हैं, MP माइनस डिस्काउंट, क्योंकि अगर मार्क प्राइस से हम सेलिंग प्राइस माइनस करेंगे तो इससे हमें क्या आएगा, डिस्काउंट, की शॉपकीपर ने कितना डिस्काउंट दिया। तो ये थी बेसिक इंट्रोडक्शन इसकी। अब हम कुछ इसके फॉर्मूलाज देख लेते हैं, और जो इसके रियल फॉर्मूलाज है वो मैं आपको साथ साथ क्वेश्चंस के साथ साथ बताती जाऊंगी। जैसे ये तो अब मैंने आपको बता ही दिया, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, इसमें 120 माइनस 100। प्रॉफिट परसेंटेज हम किस पे निकालते होते हैं, कॉस्ट प्राइस पे हमेशा, इसलिए प्रॉफिट अब कॉस्ट प्राइस इंटू 100, कि कॉस्ट प्राइस पे हमें कितना प्रॉफिट हमें मिल रहा है। सिंपल लॉस, अब अगर हम लॉस को कैसे करेंगे, लॉस के केस में अगर कि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगी और सेलिंग प्राइस कम होगा, तो इस वजह से क्या होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, क्योंकि तभी हमें लॉस हुआ है ना, कि अगर हमने खरीदा ज़्यादा रेट में होगा पर बेच हम कम पे रहे हैं। और लॉस परसेंटेज, लॉस अब कॉस्ट प्राइस इंटू 100, बिल्कुल सेम है। डिस्काउंट, डिस्काउंट में क्या आ गया, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, जो जैसे मैंने आपको बताया। नेक्स्ट है, अब आ गया मार्कअप। मार्कअप मीन्स क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मतलब मार्कअप का हम ऐसे कह सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस से कितने मार्कअप है, मतलब कि कॉस्ट प्राइस से कितना टाइम ज़्यादा हमने रेट लिखा हुआ है, कितना नंबरों में लिखा हुआ है, वो चीज़ होती है, इसलिए कहते हैं मार्क प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जैसे इसमें मार्कअप क्या था, 140 माइनस 100, 40 का मार्कअप था। नेक्स्ट है अब इसकी परसेंटेज, इसकी परसेंटेज भी हम कॉस्ट प्राइस में निकालते होते हैं, मार्कअप अब कॉस्ट प्राइस इंटू 100। मार्कअप का कॉन्सेप्ट अच्छे से तब समझ आ जाएगा जब हम साथ साथ क्वेश्चन करते रहेंगे, सभी में ये काम आएंगे। अब आगे इसके अगर हम क्वेश्चन से शुरू करते हैं, तो आपको जैसे ये क्वेश्चन पढ़ा होगा तो आपको लगेगा बड़ा सिंपल है, हम उसको एक्सपोज करके कर लेते हैं। जिसके क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले कि कॉस्ट प्राइस है जो एक प्रोडक्ट की वो इतने रुपीज़ है, अगर शॉपकीपर उसको 14.28% के प्रॉफिट पे बेचना चाहता है तो उसको सेलिंग प्राइस क्या रखना चाहिए प्रोडक्ट का, मतलब किस रेट पर वो बेचेगा। अब जो काफ़ी सारे बच्चे होंगे वो कैसे सॉल्व करेंगे, कि हम सेलिंग प्राइस को एक्स रख लेते हैं, उस पर 14.28% एक्स पे लगा के उसको, सॉरी इस पे हम 14.28% लगा देते हैं, जो आएगा उसमें इसको ऐड कर देंगे, उससे क्या आ जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस। बट ये क्या था, ये ओल्ड मेथड है करने का, इससे पता है, क्योंकि देख 14.28% है, और 14.28% को जब हम कैलकुलेशन करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन हो जाती है। तो इसके लिए जब हमने कैट वगैरह के एग्जाम में अटैम्प्ट करने हैं तो हमारे शॉर्टकट्स पता होने चाहिए, तो हम कैसे अटैम्प्ट करेंगे, इस तरीके से। अब इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए पहले मैं आपको परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज का टॉपिक एक्सप्लेन कर देती हूँ, उससे आपको ये क्वेश्चन आराम से समझ आ जाएंगे। अब जैसे परसेंटेज इंक्रीज, हमने किसी चीज़ को 20% से इंक्रीज करना है। अब 20% की रेशियो क्या होती है, 1/5, हम 20% को 1/5 लिख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे पहले इस चीज़ को देखो
कि जैसे कॉस्ट प्राइस को हमने 20% के रेट से इंक्रीज करना है, तो हम इस पे क्या करते, कॉस्ट प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस पे 1/5 लगाते, इन दोनों को प्लस कर देते, ऐसे हम नॉर्मली करते होते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 + 1/5 इंटू कॉस्ट प्राइस भी हम लिख सकते हैं। वही सेम चीज़ यहाँ पे की है, बस एक तरह का फॉर्मूला ही बन गया, जिसको हम ऐसे रैंडमली ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से पेपर में जल्दी जल्दी कर सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे, न्यू वैल्यू को निकालने के लिए, मतलब परसेंटेज इंक्रीज की वैल्यू को निकालने के लिए, कि 20% इसमें ऑलरेडी ऐड है, इंटू ओरिजिनल वैल्यू करके हमारे पास न्यू वैल्यू आ जाएगी। जैसे वन में हम उतनी रेशो ऐड कर देंगे जो जितनी परसेंटेज है, 1 + 1/5 करके 6/5 आ गया, उसका हम ओरिजिनल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे क्या आ जाएगी, हमारी न्यू वैल्यू आ जाएगी। मतलब इसमें क्या है, इसमें वो 20% ऐड हो गया अपने आप ही आके, 20% मतलब 1/5 इसमें अपने आप ही आके ऐड हो गया। अब ध्यान से देखो, इस चीज़ को और इस चीज़ को बिल्कुल सेम है, इस चीज़ का रिजल्ट भी यही बनता है, क्योंकि इसमें भी 20% आके ऐड हो गया। हम इसको सॉल्व करेंगे, 6/5 बन जाएगा। अब परसेंटेज डिक्रीज, जैसे 14.28% से डिक्रीज हो रहा है, तो 14.28% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/7 लिख सकते हैं। बस आपको इस ये सारे कॉन्सेप्ट्स के लिए क्या करना होगा, बस आपको रेशियो याद करने है कि किस कौन से पॉइंट की कितनी रेशियो होती है, जैसे 1/10 तक याद कर लो, उसके बाद आपको अपना पाने लग जाएंगी। 14.28 का क्या हो गया, 1/7 हो गया। अब ये परसेंटेज डिक्रीज है तो इसलिए हम माइनस करेंगे, इसमें परसेंटेज इंक्रीज थी इसलिए हमने प्लस किया। अब हमने न्यू वैल्यू निकालनी है, तो 1 इसमें से हम -1/7 कर देंगे, तो क्या आ गई, 6/7 आ गया, इसको हम ओरिजिनल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगी, न्यू वैल्यू आ जाएगी। मतलब इसमें से 1/7 अपने आप ही डिक्रीज हो गया, और इससे क्या आ गई, न्यू वैल्यू आ गई। अब आपको ये क्वेश्चन भी आराम से समझ आ जाएगा, अगर आपको वो चीज़ समझ आ गई है। अगर आपको वो चीज़ समझ नहीं है तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं वो सारा टॉपिक दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी। अब जैसे इसमें है कॉस्ट प्राइस है ये 14749 रुपीज़, शॉपकीपर इसे 14.28% के प्रॉफिट से इंक्रीज करना चाहता है, तो फिर उसकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमें दी हुई है, इसको हमने रेशो में लिख लिया 1/7। अब 1/7 तो हमने लिख लिया, तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, आगे वही फॉर्मूला गया, 1 + 1/7 इंटू कॉस्ट प्राइस, मतलब यहाँ पे क्या था, ओरिजिनल वैल्यू थी, इसे हमारे पास क्या आ जाएगी, न्यू वैल्यू आ जाएगी। तो इसे हमने 1/7 इसमें ऐड कर दिया, तो लिख दिया 8/7 CP इज इक्वल टू SP, CP का हमने फिर फॉर्मूला लगा दिया, SP आ गया आराम से। तो बेसिकली मैं क्या कहना चाहती हूँ, 8/7 में क्या आ गया, 1/7 जो ये प्रॉफिट परसेंटेज थी वो पहले इसमें आके इंक्लूड हो चुकी है, जिसकी वजह से हमें न्यू वैल्यू सीधा ही आ जाएगी। नहीं तो हम वैसे क्या करते होते हैं कि जो ये कॉस्ट प्राइस है इस पर हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया 1/7, तो वो इतना आ गया, उसके बाद हम कॉस्ट प्राइस में इतना ऐड करते होते हैं, फिर आ जाएगी हमारी सेलिंग प्राइस। दोनों केसेस में बिल्कुल सेम आएगी, क्योंकि हमने इसमें ऑलरेडी वो ऐड कर दिया है। तो इस क्वेश्चन में जैसे आपको ये सारा पता चल गया, अब काफ़ी सारे बच्चों को ये डाउट आता होता है कि आपने परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे किया, या हम 1/7 को 14.28% कैसे लिख सकते हैं। जैसे 14.28% है, उसे डिवाइड में क्या आ जाएगा, 4 जीरोज आ जाएंगी, क्योंकि 2 जीरोज 100 की और 2 जीरोज हमने यहाँ से ही लिए, तो यहाँ से क्या आ गया, 0.1428। और बाद जब हम 1/7 को भी डिवाइड करते होते हैं, 1/7 को डिवाइड करके भी क्या होता होता है, 0.1428। इसी वजह से 14.28% किसके इक्वल है, 1/7 के इक्वल। तो अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 36,000 रुपीज़, और शॉपकीपर मार्क्स एट 9.09% लॉस, तो उसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी आर्टिकल की। तो इसमें हमें क्या किया, इसमें हमें लॉस की परसेंटेज बता दी कि आपको इतना लॉस हुआ है, और हमें कॉस्ट प्राइस बतानी है, तो लॉस परसेंटेज कितनी है, 9.09%, इसको हम 1/11 भी लिख सकते हैं फ्रैक्शन में। अब जैसे लॉस हुआ है, लॉस की वजह से क्या होगा, एक माइनस हो जाएगा, तो आप खुद बताओ, आप खुद करके देखो कैसे होगा। ये देखिए, जैसे 1 में हम 1/11 माइनस कर देंगे तो 10/11 आ जाएगा, मतलब 1/11 जो लॉस का हिस्सा है वो उसमें से निकल जाएगा, क्योंकि SP क्या है, उस लॉस के हिस्से को माइनस करके जो अमाउंट आई है वही है ना, तो इस वजह से 1/11 इसमें से निकल जाएगा। 10/11 किसका होगा, कॉस्ट प्राइस का, तो इससे क्या आ जाएगी हमारी,
सेलिंग प्राइस हमें गिवन दी हुई है, तो इसको इधर शिफ्ट कर देंगे कॉस्ट प्राइस के इज इक्वल टू रख के, कॉस्ट प्राइस ही आ जाएगी। तो ये थी गाइस आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके पूछ सकते हो। ये फर्स्ट पार्ट था आज प्रॉफिट एंड लॉस का। इसके आगे हम काफ़ी ज़्यादा अभी कॉन्सेप्ट्स करने बाकी है, उस कॉन्सेप्ट्स के बाद हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो प्लीज़ जुड़े रहिए साथ, इस तरह से आपके हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स हम क्लियर कर लेंगे। थैंक यू।